हजार ऐसे लोग जो पहले देख नहीं सकते थे वो अब देख सकते हैं, हजार ऐसे लोग जो पहले सुन नहीं सकते थे अब सुन सकते हैं, और सौ ऐसे लोग जो पहले कड़ी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे थे आज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स यानी करीब करोड़ों रुपयों के मालिक हैं। इन सभी की जिंदगी बदली एक यूट्यूब क्रिएटर ने जिसने इनके अराउंड कॉन्टेंट बनाया और इन्हें अपनी जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी दी। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बीस्ट की, जो आज दुनिया के मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल यूट्यूब क्रिएटर है जिनके सब्सक्राइबर्स कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। मिस्टर बीस्ट ने अपनी वीडियोस में ऐसे कई गिवअवेज करे हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर की ऑडियंस इनके जेनरस नेचर की फैन हो गई। मिस्टर बीस्ट की पर्सनैलिटी रॉबिनहुड जैसी है जो अपने पैसों को कम्युनिटी में वापस देना जानता है। इसके अलावा इनके क्रिएटिव ब्रेन ने एक बहुत बड़े वेंचर को भी जन्म दिया जो आज ग्लोबल एंटरटेनमेंट के पीक पर बैठा है। एंड आई एम श्योर कि आप भी मिस्टर बीस्ट यूट्यूब चैनल की यूनिक और माइंड ब्लोइंग वीडियोस से अवेयर होंगे, और इसीलिए आज हमने तय करा कि हम इस अमेरिकन यूट्यूब क्रिएटर को और बेहतर ढंग से जानेंगे ताकि हमें पता चल सके कि दुनिया का मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब क्रिएटर कैसे बना जाता है। तो आइए जानते हैं मिस्टर बीस्ट की कहानी। 7 May 1998 इस तारीख को यूएस के कैंसस स्टेट के विचिटा शहर में मिस्टर बीस्ट यानी जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन का जन्म होता है, और यहीं से इनकी फैमिली इन्हें जिमी नाम से बुलाने लगती है और इसी वजह से इनका नाम जेम्स से जिमी हो जाता है। इंटरनेट पर आज कई लोगों को लगता है कि जिस तरह मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में स्पेंड करते हैं वो जरूर किसी वेल्दी परिवार से आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिमी एक बहुत ही साधारण से मिडिल क्लास परिवार से आते हैं जहाँ उनकी मदर मिलिट्री में थी, जिस वजह से वो अक्सर एक शहर से दूसरे शहर मूव करते रहते थे। जिमी के जन्म के वक्त वो कैंसस स्टेट में थे, लेकिन जल्दी ही वो नॉर्थ कैरोलिना में अपने होम टाउन ग्रीनविल शिफ्ट हो गए जहाँ जिमी की अपब्रिंगिंग हुई। जिमी जेन जी जनरेशन से आते हैं जिसका मतलब है कि उन्होंने बड़े होते हुए यूट्यूब के वाइड स्प्रेड सक्सेस को विटनेस करा। जब जिमी 12-13 साल के थे तब तक यूट्यूब एक पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका था जहाँ अब गेमिंग वीडियोज भी दिखनी शुरू हो गई थी। ये भी इन्हीं यूट्यूब वीडियोज को देखना पसंद करते थे। जल्दी ही वो अपने उन कुछ दोस्तों से मिले जो आज भी उनके साथ मिलकर मिस्टर बीस्ट ब्रांड के लिए काम करते हैं। इन्हीं दोस्तों में क्रिस टाइसन से जब वो मिले तो उन्हें पहली बार कोई ऐसा मिला जो उनकी ही तरह यूट्यूब कम्युनिटी से पूरी तरीके से अवेयर था, और यहीं से इनकी दोस्ती बढ़ने लगी और वो घंटों तक यूट्यूब के बारे में ही डिस्कस करते रहते थे। और फिर 20 February 2012 इस दिन जिमी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और अपने चैनल का नाम रखा मिस्टर बीस्ट 6000, और यही नाम इसलिए क्योंकि ये उनके वीडियो गेम प्रोफाइल का यूजर नेम भी था। उनकी शुरुआती कुछ वीडियोस माइनक्राफ्ट गेम प्लेज हुआ करती थी, फिर उन्होंने कमेंट्री वीडियोस करना शुरू करा जहां वो या तो अपनी कोई स्टोरी बता रहे होते थे या फिर दूसरे बड़े यूट्यूबर्स की अर्निंग डिस्कस कर रहे होते थे। अब से 10 साल पहले ही दुनिया में कई ऐसे यूट्यूबर्स आने लगे थे जो फुल टाइम यूट्यूब कर रहे थे और यूट्यूब से ही अच्छी अर्निंग्स भी कमा पा रहे थे। कई ऐसे थे जिन्होंने अपनी जॉब छोड़कर यूट्यूब को परस्यू किया था और वो ऐसा सक्सेसफुली कर पा रहे थे। और जब जिमी ने ऐसे क्रिएटर्स की वीडियोस को देखा और उन्हें पता चला कि यूट्यूब को फुल टाइम किया जा सकता है, तब से ही मानो उनके अंदर कोई स्विच ऑन हो गया। तब से उनका यूट्यूब की तरफ ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि वो बड़े होकर एक यूट्यूबर ही बनेंगे। जब किसी बच्चे में इतनी यंग एज में अपने गोल्स को लेकर इस तरह का पागलपन होता है तो उनका सक्सेसफुल होना तो ऑब्वियस है। जिमी के साथ भी ऐसा ही होना शुरू हुआ। हाई स्कूल आते आते उन्हें यूट्यूब वीडियोज बनाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था और उन्हें पता लगने लगा था कि किस तरह की वीडियोज यूट्यूब पर अच्छा परफॉर्म करती हैं। हाई स्कूल में तो जिमी ने सोचा था कि वो कॉलेज जाने के वक्त तक ही यूट्यूब को अपनी फुल टाइम जॉब बना लेंगे और इसी वजह से उन्हें कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो कॉलेज की एज तक आए तब तक उनका यूट्यूब करियर हिट नहीं हुआ था, और इसी वजह से अपने पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। वो यूनिवर्सिटी में एनरोल तो हो गए थे पर वो ज़्यादातर अपनी क्लासेस मिस ही करते थे और अब उनका फोकस पूरी तरह से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने पर था। इस वक्त तक वो खुद वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करने लग गए थे और यहीं से उनके चैनल पर ऐसी वीडियोस दिखने लगी थी जो बहुत अटपटे और यूनिक आइडियाज पर बनी थी। उनकी शुरुआती कुछ वीडियोस जो लोगों की नजरों में आने लगी थी वो बहुत एक्सट्रीम चैलेंजेस वाली वीडियोस थी। जैसे एक वीडियो में उन्होंने 1 से लेकर 100,000 तक काउंट किया था जिसमें उन्हें लगभग 24 घंटे लगे थे। फिर उन्होंने एक ही म्यूजिक वीडियो को 10 घंटे तक देखते हुए खुद को रिकॉर्ड किया था, और उनके इन चैलेंजेस की वजह से वो यूट्यूब ऑडियंस की नजरों में आने लग गए थे और इसी वजह से उन्हें यूट्यूब से डिसेंट अर्निंग्स भी होनी शुरू हो गई थी। और इन्हीं अर्निंग्स के दम पर जिमी ने तय करा कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने घर से मूव आउट कर लेंगे और ऐसा करके वो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट ले लेंगे। और इसी डिसीजन को लेकर वो अपनी मदर के पास पहुंचे
और जब उन्होंने अपने प्लान के बारे में अपनी मॉम को बताया तो उन्होंने भी ज़्यादा आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि जिमी जिस डेडिकेशन और ऑब्सेशन से यूट्यूब के बारे में बात करते थे, उनके आसपास के सभी लोग उनकी उस डेडिकेशन की तरफ सिंसियरिटी को पहचान पाते थे और समझ जाते थे कि ये ज़रूर आगे चलकर कुछ बड़ा ही करेगा। इसी सोच के साथ जिमी और उनके दोस्त क्रिस टाइसन ने एक अपार्टमेंट रेंट करके फुल टाइम वीडियोज बनाने की तरफ खुद को डेडिकेट कर दिया। इसी वक्त पर जिमी को उनकी वीडियोज के लिए पहला स्पॉन्सर भी मिला और उनकी ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल हमें YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं जहां पर कोई बड़ा यूट्यूबर दूसरे लोगों को पैसे गिव अवे करता है और ये अच्छा कंटेंट भी बनता है। इस कंटेंट जॉनरा की शुरुआत मिस्टर बीस्ट की इसी वीडियो से होने वाली थी। दरअसल उस वक्त उनके पास एक स्पॉन्सर आया जो उनकी वीडियो में शाउट आउट के लिए उन्हें $5,000 देने वाला था। तो जिमी ने सोचा कि क्यों ना इन $5,000 को यूज करके एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जाए। तो उन्होंने स्पॉन्सर को कहा कि आप मुझे $5,000 और दीजिए और इस अमाउंट को $10,000 बना दीजिए और इस वीडियो में हम इन्हीं $10,000 को किसी होमलेस मैन को डोनेट कर देंगे और जो उस इंसान का रिएक्शन होगा उसे यूज करके एक अच्छी वीडियो बन जाएगी जिससे आपके प्रोडक्ट की भी बहुत अच्छी पब्लिसिटी होगी। जिमी के इस गिव अवे के आइडिया को लोगों ने बहुत पसंद करा और उनके इस वीडियो को पहले ही महीने में ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज मिल गए जिससे उनका चैनल अब पॉपुलरली रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया। मिस्टर बीस्ट ने इसी डोनेशन वाले आइडिया को और आगे बढ़ाया और फिर ट्विच स्ट्रीमर्स, डिलीवरी गाइस और होमलेस लोगों को और पैसे डोनेट करते हुए वीडियोस बनानी शुरू करी और इन्हीं वीडियोस से बना ग्रेट कंटेंट और जल्दी ही मिस्टर बीस्ट ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस कर दिया। मिस्टर बीस्ट का एक सिंपल फंडा रहा है कि वो जितना भी पैसा यूट्यूब से कमाएंगे वो उसे वापस अपनी वीडियोज में ही इन्वेस्ट कर देंगे और इसीलिए टाइम के साथ उनके चैनल के गिव अवेज भी बहुत बड़े होते गए हैं जहां अब तो अपनी वीडियोस में वो कई बार $1 million भी खर्च कर देते हैं जो कि ऑलमोस्ट 9 करोड़ इंडियन रुपीज होता है। जिमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कंटेंट टीम को और बड़ा बनाया और अब तो वो दर्जनों लोगों के साथ मिलकर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। यही नहीं बल्कि उनकी वीडियोज के लिए अलग अलग यूनिक सेट्स भी डिजाइन किए जाते हैं जो सिर्फ उन्हीं की वीडियोज में यूज होते हैं। जिमी अब तक यूट्यूब को बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं। वो समझने लग गए थे कि किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर चलता है और किस तरह से एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉचेबल बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने कंटेंट की निटी ग्रिटी डिटेल्स पर भी काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने समय के साथ एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां वो एक वीडियो की टाइटल, थंबनेल, एडिटिंग स्टाइल जैसी चीजों को भी ज्यादा से ज्यादा आइडियल बनाने लगे ताकि उनके कंटेंट की रिटेंशन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और उनकी यही टेक्निक्स उनके कंटेंट को अनमिसेबल बना देती हैं जहां धीरे धीरे दुनिया भर से लोग उनके कंटेंट के रेगुलर व्यूअर्स बन गए। उनके चैनल ने जल्दी ही 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का भी आंकड़ा पार कर दिया। उनका कंटेंट इंटरनेशनली इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा कि उन्होंने सब्सक्राइबर्स के सभी माइलस्टोन्स क्रॉस कर दिए हैं और अभी उनका यूट्यूब चैनल टी सीरीज के बाद दुनिया का सेकेंड मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल है जहाँ उनके 177 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपके हिसाब से क्या कभी मिस्टर बीस्ट टी सीरीज को सब्सक्राइबर्स के मामले में सरपास कर पाएगा? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिस्टर बीस्ट ने इसके अलावा अपने दूसरे बिजनेस वेंचर्स भी शुरू किए जैसे कि फीस्टेबल्स और बीस्ट बर्गर जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहे हैं। आज जिमी की नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आकी जाती है और उनकी ब्रांड वैल्यू तो उससे भी ज़्यादा है। उन्हें हाल ही में कॉरपोरेशन से ऑफर भी मिला था कि वो अपने पूरे ब्रांड को $1 billion में बेचते हैं, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था क्योंकि उनका मानना है कि उनके चैनल की वर्थ इससे कई ज़्यादा है। क्योंकि बात सही भी है क्योंकि उनके पास जिस तरह की व्यूअरशिप है दुनिया में किसी भी और प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, चैनल या क्रिएटर के पास वो नहीं है। जिमी डोनाल्डसन से मिस्टर बीस्ट बनने की कहानी एक यूट्यूब ड्रीम स्टोरी है जहां एक टीनेजर अपने अनइमेजिनेबल गोल्स पर विश्वास रखता है और कॉन्टेंट बनाते हुए अपनी जिंदगी को भी एक सक्सेस स्टोरी में तब्दील कर देता है। आप अगर मिस्टर बीस्ट की तरह ही किसी और इंटरनेशनल क्रिएटर की भी कहानी जानना चाहते हो तो हमें उनका नाम कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।